नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियोस। तो आज की वीडियोस में फिर से बात करेंगे लिमिट कॉस्ट से रिलेटेड कुछ नया। जैसा कि काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं आधार कार्ड से, और जो आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है ये सारा कुछ हम क्लियर करने वाले हैं। इस थंबनेल पे मैंने आप लोगों को जो भी दिखाया है वो एकदम प्रूफ के साथ दिखाएंगे, और ये वीडियोस खास करके अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बताना चाहते हैं, क्योंकि 12 सब्सक्राइबर्स मेरे जो थे 8 जनवरी से लेकर अब तक के कम्प्लीटली सब लोगों का सॉल्व हो चुका है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल बिना पैसे के। तो वो तो सब लोगों ने सुन ही रखा है जो मेरे सब्सक्राइबर्स पुराने हैं, और जो नए इस वीडियोस पे आए हैं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों का लिमिट कॉस्ट सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो यहां हम आप लोगों को कुछ ऐसे चीजें एक्सप्लेन करेंगे जिनकी वजह से आप अपना लिमिट कॉस्ट कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले, हमारे सारे वीडियोज आप लोगों ने तो कम्प्लीटली देखे हैं जो मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स हैं, और जो नए नए इस वीडियोज पे आए हैं भी विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। वहां आपको एचडीएम ऑर्डर से रिलेटेड पूरा जो नया अपडेट आया है इसको सही करने के उससे रिलेटेड सारे वीडियोज पड़े हैं। और इस वीडियोस पे मैंने आप लोगों को बताया है कि आय और जाति और निवास, इनमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और वो काफी सारे लोगों को उसकी जरूरत रहती है। लेकिन जो मेरा चैनल है यहाँ पे ज्यादातर लोग लिमिट कॉस्ट वाले हैं, तो मैं जब भी कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो डालता हूँ तो वो बहुत ही कम चलता है, क्योंकि यहाँ सारे लोगों को लिमिट कॉस्ट की प्रॉब्लम्स ज्यादातर है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स खुद के हैं 1700 प्लस, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे सब्सक्राइबर्स है ज्यादातर वो स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे लोगों से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से बात होता रहता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो आय जाति निवास है वो लोगों को जरूरत पड़ता रहता है, और काफी सारा अपडेट इस पे हो रखा है वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये जो हम बताने वाले हैं कि लिमिट कॉस्ट जो अब सॉल्व करने का जो भी प्रोसेस है वो कैसा चल रहा है। काफी सारे कमेंट आ रखे हैं कि मतलब हर एक अलग अलग स्टेट से मैसेज आते रहते हैं, तो उन मैसेजों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यूपी में सिर्फ ये अपडेट चल रहा है, बाकी अदर स्टेट में अभी तक कोई अदर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं। जैसा कि पहले हो रहा था, लिमिट कॉस्ट में जन्म प्रमाण पत्र ओरिजिनल सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ करना रहता है, ये सारा कम्प्लीटली हर एक स्टेट में अभी तक लागू था। फिर अचानक में अभी जल्दी ही में एसडीएम ऑर्डर का यूपी में रिक्वायरमेंट शुरू हुआ है। तो जो एसडीएम ऑर्डर है वो आप लोगों ने कैसे बनवाना है सारा कुछ आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सब लोगों ने देख रखा है, मैंने ऑलरेडी सारे वीडियोज में वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं। और इस वीडियोज में हम क्या करेंगे, काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं वो दूसरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करते हैं और वहां उनको कुछ भ्रामक जानकारियां दी जाती हैं जिनकी वजह से वो हमारे इस चैनल पर आकर के कमेंट करते हैं। कोई सब्सक्राइबर्स मेरे थे जो कह रहे थे कि क्या ऐसा भी होता है कि आधार कार्ड जब हम अप्लाई करते हैं लिमिट कॉस्ट वाला तो रिजेक्ट होने के बाद बनता है, ऐसा काफी लोगों के मन में डाउट है। तो वो डाउट इस वजह से क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि अभी कल ही परसों मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं जिनका कम्प्लीटली हुआ है। अभी तक मैंने 8-9 लोगों का एक्सप्लेन किया था अदर वीडियोज में, लेकिन उस बीच से मैंने एक हफ्ते में तो वीडियोज नहीं डाला, एक हफ्ते में 3 लोगों का और कम्प्लीटली हुआ है, 2 से 3 लोगों का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बट 12 समथिंग टोटल हो चुकी है। सब लोगों का नंबर मेरे पास है क्योंकि मेरा जो चैनल है वो एकदम से रियल और जेन्युइन कंटेंट हमेशा देता रहता है। तो इस वीडियोस पे अब हम आगे का काम जो करने वाले हैं वो यही कि रियल में जब भी हम लोग अपडेट करते हैं, अपडेट कराने के बाद 1 घंटे या 24 घंटे या ऐसे ही वो तुरंत रिजेक्ट हो जाता है, और रिजेक्ट में वही आएगा अलाउड लिमिट कॉस्ट, वही जो आता है स्टेटस में आप लोगों ने चेक किया होगा। लेकिन उसके बाद जो आप मेल करते हैं, मेल के बाद जो पोस्ट करते हैं, इन मामलों से वहां आपका देखा जाता है, उसके बाद फिर अपडेट किया जाता है। ऐसा मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ हुआ है, और मैं भी आपको लाइव सुना दूं, पहले इनका सुन ही लीजिए फिर आगे का काम करते हैं। यार भैया मैं बहुत परेशान था भैया, 2-1.5-2 साल से परेशान था, मुझे बहुत खुशी मिली भैया। अच्छा ठीक है यार, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपका। जो आपकी मेल मैंने पढ़ी थी ना उसमें अलग तरीके से लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि कार्य प्रोसेस है, मैं 1 साल से पहले वीडियो देख रहा था, ट्राई करी नहीं हो पाया, पर मैं यहां पे उससे हो गया। मैं यूपी से हूं, उससे बिजनौर जिला बिजनौर में। अच्छा अच्छा ठीक, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, बस क्या होता है 1 घंटे बाद अपडेट कराने के वो रिजेक्ट ही दिखाने लगता है। अच्छा भैया, लेकिन बाद में जब प्रक्रिया करते हैं, तुम कब चेक किए थे रिजेक्ट दिखा रहा था? भाई मैंने कल चेक करा तो रिजेक्ट दिखा रहा था, और आज देखो ये दिखा रहा था। तो इनका भी जल्दी में सॉल्व हुआ है, और इनका भी रिजेक्ट हो गया था उसके बाद कम्प्लीटली, कल ही परसों उन्होंने देखा था तो कम्प्लीट सॉल्व हो गया था, तो उन्होंने कॉल करके मुझे बताया था, तो मैंने सोचा चलो काफी सारे लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है, आप लोग परेशान ना हुआ करिए। अभी तक जितने 12 लोगों को मैंने कम्प्लीटली सॉल्व कराया है 1 से 1.5 महीने के अंदर ही, तो उनका 20 से 21 दिन किसी का शायद ना हुआ हो, बहुत ही मुश्किल है 20 प्लस हुआ हो, सब 20 माइनस में ही कम्प्लीटली सबका हो रखा है। और इसमें क्या हुआ कि आप लोगों को हम इस वीडियोस में ये बताने वाले हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स तो हैं 1700 प्लस,
लेकिन अभी तक कम्प्लीटली सॉल्व हुआ है समथिंग वही 12 लोगों का, 15-20 लोगों का खुद मैंने अपने हाथों से किया है जैसे जैसे सबका करता हूँ। लेकिन जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है उनको मैं जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे सब लोगों से कह रखा हूँ कि ऐसे ऐसे करके हो रहा है। तो काफी सारे लोग मैसेजेस करते हैं और फोन करके पूछते हैं कि सर मेरा क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम सब टोटल लोगों का बताना चाहते हैं जो 1750 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इस टाइम, 1700 प्लस में सब लोग सुनिए और जो नए हैं वो भी सारे लोग सुन सकते हैं। ये जो मैंने थंबनेल पे बताया है कि 100% सभी का होगा, तो ये रियल है। ऐसा नहीं कि मैं थंबनेल पे आप लोगों को क्लिक करवाने के लिए अंदर लेकर आया हूँ और यहाँ कुछ और बता दो, वो रियलिटी होगी वो 110% प्रूफ के साथ। तो जो 100% सही होगा वो किनका हो सकता है ये चीज बता दें। तो पहले सब अदर जो स्टेट के लोग हैं पहले उन लोगों को हम बताना चाहते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट करते हैं और मेरा बिहार में क्या प्रोसेस है और मेरा वेस्ट बंगाल में कैसा प्रोसेस है, मेरा राजस्थान का कैसा प्रोसेस है लिमिट कोर्स का। तो उनके लिए पहले बता दूं मैं, ये बर्थ मार्कशीट एंड पासपोर्ट नहीं लगवाए हो अगर पहली बार जब बदलाव किए थे अपने डेट ऑफ बर्थ में, तो उस टाइम अगर ये सब नहीं लगा है तो आप आसानी तरीके से कर सकते हैं ओरिजिनल बर्थ बनवा के सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ और बढ़िया से मेल करके पोस्ट करके आप कंप्लीटली सॉल्व करा सकते हैं। मैं करवा सकता हूँ ये 100% श्योर है। अगर आपको ये एग्जैक्ट पता हो कि हमने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाया और ना ही लगाया है पासपोर्ट, आपको मेल के माध्यम से जो बताया जा रहा है कि आपने पहले ही अद्यतन कर लिया है एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स लगा के, तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? बर्थ सर्टिफिकेट लगा है अगर पहले आपका तो मुश्किल, और ये जो मार्कशीट है ये भी मुश्किल, पासपोर्ट भी मुश्किल अगर ये सब कैंसिल नहीं करवाओगे, जिसमें से हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल करा सकते हैं। कैंसिलेशन पे मैंने पूरा वीडियोस बनाया है, ऊपर आपको दिख रहा है, आप विजिट करके देख सकते हैं अगर आप नए नए हैं। तो बर्थ कैंसिलेशन के बारे में इसमें मैंने बताया हुआ है और मार्कशीट कैंसिलेशन के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, काफी जगह मैंने बात भी की है तो वहां पे इसके बारे में किसी को नहीं पता, इस वजह से मार्कशीट का प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। और जैसे कि तीसरा हो गया आपका ये जो पासपोर्ट होता है, तो ये सारा चीज कैंसिल करके कैंसिलेशन स्लिप के साथ जब मेल करेंगे तो जो प्रॉपर तरीके से अच्छा होगा तो वहां से इसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, ये इसका प्रोसेस है। और जो अभी आप लोगों को और इसी में कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमने जब पहले करवाया था तो मुझे याद नहीं, जिन लोगों को याद नहीं वो इस टाइम प्रोसेस ठीक से करें और वहां से मेल आएगा तो सारा कुछ याद आ जाएगा। और कुछ लोग तो कहते हैं अगर मार्कशीट के अलावा भी कुछ लगता था तो आपको बता दें कि अभी स्कूल का कोई सर्टिफिकेट होता है जो प्रिंसिपल वगैरह या टीचर्स के पास, वो उस पर अपना साइन मोहर करके दे देते आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल के, तो यहाँ आप किसी भी जगह जाके अपना आधार में ये डेट ऑफ बर्थ सही करा सकते हैं। और प्रधान प्रमाणित एक लेटर होता था उस पर वो लिख दे देते तो उससे भी सही हो जाता था। और एक UDI का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इससे भी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाती थी। इनमें से बहुत से अधिकारियों से साइन करवा लेते यहाँ पे और यहाँ डेट ऑफ डाल के, तो इससे भी सही हो जाता था। कई सारे ऐसे प्रूफ थे और कक्षा 8 में जो लोग TC रखते थे उससे भी हो जा रखा था, लेकिन TC को पता नहीं अभी कैंसिल करवाने को बोला जा रहा है कि नहीं, उसके बारे में एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स जिनमें भी लगे हैं प्रधान वाला और स्टैंडर्ड UDI अगर ऐसा लगा है तो 100 का 110%, वहां मैंने थंबनेल पे 100% लिखा है, यहां मैं 110% सही करवा दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो जैसा इसमें जैसा जैसा आप लोगों को दिखाया जा रहा है वैसा सारा कुछ बताएंगे। अब यहाँ शुरू करेंगे आगे का काम निवास के माध्यम से, तो निवास में भी सब लोग ध्यान दे लेंगे और आगे अभी जो बचा है इस लिमिट क्रॉस में वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ लिमिट क्रॉस तो चल ही रहा है, उसके साथ हम ये निवास वाला इस वजह से डाल देंगे, एक नया अपडेट आया है बहुत ही जल्दी। तो देखिए आय और जाति और निवास, ये हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो ये होता है हमारा निवास जिसको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं, और इनकम सर्टिफिकेट होता है हमारा आय, और ये हो गया जाति जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट। तो इनमें बदलाव ये हुआ है कि अब जो साइबर कैफे से इन लोगों ये सारा कुछ आप ऑनलाइन करवाएंगे, अब जो जाति आय निवास बनेंगे वो मोबाइल से OTP के माध्यम से बनेगी। जैसे आपको बनवाना है तो आपको अपने आधार पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसकी OTP वहां देनी पड़ेगी साइबर कैफे पे, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं आय जाति निवास में वो प्रॉपर बता देंगे, इसी में लाइव दिखा देंगे कि इस टाइम अगर आपको आय जाति निवास बनवाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। वहां से ना लेखपाल काफी सारा रिजेक्ट कर देते हैं, काफी लोगों का मैंने खुद ही करवाया है, तो हम सारा प्रोसेस करके भेज रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो रहे हैं तो से वो रिजेक्ट ही हो जा रखा है। और ये गांव में तो निवास और जाति आय आसानी से बन जा रखा है, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि आप आय और जाति और निवास अपना कंप्लीटली बनवा सके। इस वजह से ये सारा कुछ बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों को समझना है, उस वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे, इसमें हम सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपका इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम कभी भी क्रिएट ना हो। तो आय और जाति और निवास में ये प्रॉब्लम आ गया है, जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है, अपने आधार कार्ड पे OTP नहीं दे पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन नहीं होगा, वहीं से सारा प्रोसेस वो स्टॉप पे रहेगा। क्योंकि अब आप लोगों को बता दें अगर अभी तक देख रहे थे कि अगर आपको आधार कार्ड में कुछ नाम वगैरह करेक्शन कराना रहता था तो उसमें क्या करना होता था कि हम निवास
निवास बनवा लेते थे और निवास पे कुछ भी नाम डलवा लेते थे जो करेक्शन था, और उससे हम आधार कार्ड में करेक्शन कर लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब ओटीपी से बनेगा निवास, और निवास पे जब अप्लाई करेंगे तो ओटीपी जब लेंगे तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लेंगे, तो जो आपके आधार पे डेटा होगा वो वहीं पे जाएगा। उसको आप मान लीजिए हमारा नाम पवन कुमार है, मैं वहाँ पे अपना नाम में कुछ चेंज कराना चाहता हूँ, या मान लीजिए सरनेम ही अपना पवन वर्मा करवाना चाहता हूँ या कुछ भी करके, तो जब हम अब निवास बनवाएंगे तो पवन वर्मा नाम से मेरा नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरा आधार कार्ड पे नाम है पवन कुमार। तो जब भी कभी ओटीपी के माध्यम से लिया जाएगा तो वहाँ पे रिजेक्ट कर लेगा पवन कुमार ही, तो वर्मा के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स वो देने पड़ेंगे। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट इस पर मैं सर्च करूंगा और अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नाम करेक्शन तो करवाना ही रहता है। तो इस वजह से अब जब ओटीपी के माध्यम से आए और जाते और निवास बना सकते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी जानकारी आप लोगों के लिए थी। और मोबाइल नंबर कैसे रजिस्टर करना है आप लोगों को तो सारा कुछ वीडियोस में मैंने बताया ही है, और आप लोगों को ये भी तक हमने बताया कि इंडिया में आप कहीं भी रहते हैं अगर आधार कार्ड से कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप अपने पिन कोड के माध्यम से आधार सेंटर बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं, चाहे आप जहां रहते हो कहीं जाने की जरूरत नहीं। आधार सेंटर जो आपके पिन कोड के माध्यम से निकालोगे साइट से गूगल से, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होंगे, कोई फेक नहीं हो सकते, क्योंकि वो रजिस्टर्ड सारे होते हैं। और वो वीडियोस आप यहां देख सकते हैं, इस वीडियोस को आप ढूंढ सकते हैं, इसमें हमने आधार सेंटर पता करने के बारे में काफी अच्छे से सब लोगों को समझा रखा है। पिन कोड के माध्यम से पूरा आधार सेंटर ढूंढ सकते हैं, और अपने आधार पे जो मोबाइल नंबर बदलवाना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, कुछ भी आधार से रिलेटेड करवाना चाहते हैं तो वहां विजिट करके आप आसानी से करा सकते हैं। आधार कार्ड का 50 रुपीज सिर्फ ओनली इसका चार्ज है, बाकी एक्स्ट्रा पैसा कुछ कहीं नहीं देना है, क्योंकि ये सारी जगह सरकार के अंडरटेकिंग ही आती है, कोई प्राइवेट करता ही नहीं जो अपने मन माने पैसे चार्ज करेगा आपको। इस वजह से काफी कोशिश करिए कि आप स्ट्रिक्ट रहिए इन मामलों में, और हमेशा सतर्क रहिए कि आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है तो पहले सब लोग फ्रेंड सर्किल घर में सभी लोगों का रजिस्टर करवाएं, अगर चेंज नंबर करवाना है तो भी चेंज करवा सकते हैं, बदल के ले जाना अपना चालू वाला मोबाइल नंबर और अपना कंप्लीटली वो सारा कुछ करा सकते हैं। और इसके लिए मैंने वीडियोस भी बना रखे हैं, अगर आपको आधार पे मोबाइल नंबर पता करने में प्रॉब्लम्स हो रही है तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मोबाइल नंबर पता करने से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाए हैं कि कौन सा आधार पे मेरे रजिस्टर्ड है। तो चलिए यहीं पे इसको स्टॉप करके अब सबसे पहले आए और जाते और निवास के जो डॉक्यूमेंट्स इस टाइम लग रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। ये जो स्क्रीन पे लगा है इस पे देख सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बनने के बारे में हम लोगों को बताना चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने रहते हैं। तो आय प्रमाण पत्र में हमें फोटो देने रहते हैं, आधार कार्ड और पार्षद और प्रधान, ये आपके जो पार्षद या प्रधान होते हैं, पार्षद होते हैं शहरी क्षेत्र में और प्रधान होते हैं हमारे गांव में, तो जो पार्षद और प्रधान का यहाँ पे दिखा रहा है उनके पास एक नोट पैड होता है, उस पर वो लिख करके देते हैं, फिर जाके हमें फोटो पे एक लगा होता है उसी पे वो लिख देते हैं सारा कुछ, तो वो हो गया। और फिर लिखा है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, ये जब किसी साइबर कैफे की दुकान पे जाएंगे ऑनलाइन ये करवाने आय प्रमाण पत्र जाते तो स्वप्रमाणित घोषणा पत्र उनके पास होगा, उसको वो भरेंगे, भरने के बाद फिर जाके वो ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद वेतन पर्ची घर में, जैसे कोई मान लीजिए सैलरी आती है तो वही होता है स्लिप वाला, और राशन कार्ड और बिजली का बिल, वेतन पर्ची या राशन कार्ड दोनों में से एक चीज चल सकती है, वेतन पर्ची या राशन कार्ड, और फिर बिजली का बिल देख सकते हैं। ये इतने सारे आय प्रमाण पत्र में होने चाहिए तब जाके आपकी आय रिजेक्ट नहीं होगी और बन जाएगी। और जाति प्रमाण पत्र क्या क्या सिस्टम है आगे देख सकते हैं, जाति में फोटो, आधार कार्ड, पार्षद द्वारा प्रमाणित वही जो प्रधान से और पार्षद वो आप समझ गए होंगे, तो वो पार्षद से प्रमाणित करवाना, सो प्रमाण घोषणा पत्र वो दुकान वाले खुद ही अपनी तरफ से लगाते हैं, और पुराना जाति प्रमाण पत्र अथवा परिवार के किसी का जाति प्रमाण पत्र, मतलब दूसरा जाति आपको देना पड़ेगा घर का किसी का भी, पापा मम्मी या अगर जाति नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं। और फिर हो गया बिजली का बिल, और बिजली का बिल और ये सारे कुछ इनमें से आपको दिखाई दे रहा है ये सारा कुछ देना है। फिर निवास में आ जाए, फोटो, आधार कार्ड, पार्षद द्वारा फिर प्रमाणित घोषणा, बिजली का बिल, इसमें ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी इतना सारा कुछ होने के बाद ही कर पाएंगे। अब देख सकते हैं एक तरफ आए हैं और फिर जाती है और निवास है, इनके नीचे सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिखाए हैं जैसे जैसे लगने हैं, आप प्रॉपर आप इसको कम्प्लीटली ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपको करवाना है तो ऐसे सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कमेंट दिखाने वाला हूँ, ये कमेंट देख सकते हैं, ये मेरा कमेंट कल ही आया था, इन्होंने बताया था कि 2015 में मैंने 2 बार सही करवा लिया है और 3री बार करवाई है वो भी 24 घंटे में। तो ये शायद ये मुझे बता रहे हैं कि जन्मतिथि 3 बार ही सही हो जाती है, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, शायद आप इनका कमेंट देख लें तो कंफ्यूज होकर इनके चैनल पर विजिट करें और ये आप के साथ वैसा ही ट्रीट करें जैसे अदर यूट्यूबर्स करते हैं, तो आप इनके चैनल पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी जानकारी लेने के बाद। तो ये जो बताए हैं कि 2 बार मैं 2015 में सही कराया हूँ और 1 बार फिर कराया हूँ वो भी 24 घंटे में, मैंने तो किसी का 3-3 घंटे में सही होते हुए देखा है, 24 घंटे की तो बात दूर हुई। लेकिन यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है सबसे ज्यादा कि ये 3 बार कैसे करवा ली, ये बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहे होंगे, लेकिन ये आपको बता दें कैसे क्या है। ये जब आधार कार्ड बनता है उस टाइम जब सेंटर वाले होते हैं जो आधार कार्ड बनाते हैं
वहां पे कई सारे ऑप्शन दिए होते हैं। एक होता है डिक्लेयर्ड ऑप्शन, जिसके बारे में मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन इन्होंने कल ही बताया था तो मैंने आज सर्च करके आप लोगों को बताने की कोशिश फुल की है। तो डिक्लेयर्ड होता है, डिक्लेयर्ड में जब सबमिट किया जाता है तो उसमें दो लिमिट बढ़ जाती है डेट ऑफ बर्थ की, लेकिन ऐसा सिस्टम यही है। डिक्लेयर्ड में जो बनते हैं उनमें हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, दो बार हम कर सकते हैं और तीसरी बार करनी है तो यही प्रोसेस करना पड़ता है जो हम लोग अब सेकेंड टाइम कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारे पास ऑप्शन है उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं तो सेकेंड टाइम हम कर सकते हैं, हो गया है। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, देखना रहता है कि कैसे कैसे इसका अपडेट चल रहा है, जैसे एचडीएम ऑर्डर दुनिया भर के सारे काम। यहाँ पे एक और कमेंट आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है ये एचडीएम ऑर्डर कैसा होता है, तो आप लोगों को बता दें एचडीएम ऑर्डर के वीडियोस ए टू जेड पड़े हैं, आप वहाँ विजिट करके सब कुछ जान सकते हैं टोटली। बाकी बर्थ कैंसिलेशन भी पड़ा है, काफी लोगों का सही हुआ है और डेट टू डेट मैंने डाले हैं कि कौन सी डेट एचडीएम ऑर्डर में होनी है। अभी काफी सारे लोगों को काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जिन लोगों का मार्कशीट से है और बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा वैसा, तो वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, उनका भी मैंने रास्ता ढूंढ रखा है। कम्प्लीटली तो सभी लोगों का हो ही जाएगा चाहे जैसे हो। बाकी जो ऐसे वाले लोग हैं जिनका मतलब बर्थ सर्टिफिकेट या मार्कशीट वगैरह नहीं पहले से रजिस्टर्ड है, तो वो बेफिक्र रही है, उनका 100% का 110% हम करवा ही रहे हैं, हो भी रहा है। आप लोगों को भाई डॉक्यूमेंट्स अपने अपने वहाँ पे तैयार करने हैं, फिर उसके बाद मुझे दिखाना है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। लेकिन मेरे पास क्या है, फोन बहुत ज़्यादा आते रहते तो मैं भी काफ़ी दिनों के बाद इस वजह से वीडियोज बना पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी काम मेरे पास अदरवाइज था। और फिर फोन वगैरह भी बहुत आते हैं और जगह फोन ना ही उठाओ तो भी मैसेजेस आते हैं कि आप कॉल नहीं उठाते, ऐसा सारा कुछ रहता है। तो नंबर दे तो दिए हैं लेकिन उसका भी एक टाइम रखिएगा, और मैसेज कर सकते हैं अगर मेरा नंबर स्विच ऑफ जा रहा हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, तो अगर कोई वैसी इमरजेंसी बात हुई तो मैं फटाफट आपसे कॉन्टेक्ट करके बात कर सकता हूँ। अदरवाइज कुछ दिखाना उखाना हो, ऐसे ही कुछ पूछना हो तो उसके लिए आपका व्हाट्सएप रहेगा। तो बाकी बात करने के लिए हम कभी कभी टाइम निकालते रहेंगे, इस वजह से आप लोग ज़्यादा कॉल वगैरह ना किया करें। तो आप चलते हैं यहीं पर, वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, उससे बांटते रहे अपना ख्याल। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।